नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। बात करेंगे एक बेहतरीन स्टॉक की जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे खासे रिटर्न देता हुआ दिख सकता है। तो स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 4210 पे, और अगर आप देखोगे लगभग प्री कोविड लेवल, कोविड से पहले स्टॉक इसी रेंज में था 42 रुपये के आसपास, और अभी उसी रेंज के अंदर पहुँच गया है। लेकिन फंडामेंटली अगर आप देखते हो स्टॉक के तो काफ़ी आपको अच्छे दिखेंगे, और फाइनेंशियल भी कंपनी के काफ़ी सही यहाँ पर दिख रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे प्रमोटर होल्डिंग 51.82, ये स्टेबल प्रमोटर होल्डिंग है यहाँ पे। उसके बाद FIs, तो FIs के पास लगभग 6.47% की होल्डिंग है, और DIs के पास लगभग 8.07 की, और पब्लिक के पास 33% की होल्डिंग यहाँ पे हर। उसके बाद अगर आप देखोगे रिजर्व, तो कंपनी के पास 600 करोड़ का यहाँ पे रिजर्व है, बोरिंग 3 करोड़ है, तो कैश रिच हम कह सकते हैं कंपनी है। उसके बाद आता है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट यहाँ पे अगर आप देखते हो इस जून क्वार्टर का, तो जून क्वार्टर का कंपनी का 296 करोड़ का सेल है, मार्च में 268 था और पिछले साल जून में था 285। तो पिछले साल की तुलना में भी यहाँ पे बड़ा आप देख सकते हो, और पिछले क्वार्टर की तुलना में भी कंपनी की सेल्स तो बढ़ी है। वहीं बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट अब की बार कंपनी का 41 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 51, और जस्ट एक साल पहले था 34। तो पिछले साल की तुलना में बढ़ा है, लेकिन पिछले क्वार्टर की तुलना में कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है, लेकिन सेल्स बढ़ी है जो एक काफ़ी अच्छी बात है। और इसके अलावा टैक्स भी अब की बार कंपनी का 21 से 25% हुआ है, मार्च में 21% था, तो ये भी एक थोड़ा रीज़न रहा है। कंपनी ऑलरेडी हम देख चुके हैं डेप्ट फ्री है, इंट्रिंसिक वैल्यू 1860 रुपये है, तो ये है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड प्राइस जोन में है। लेकिन करेक्शन अगर आप देखोगे तो हाई है वो कंपनी का लगभग 5852 था, और लो है लगभग 3901, 52 वीक लो, तो 52 वीक लो के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि डिविडेंड, कंपनी यहाँ पे शानदार डिविडेंड देती आ रही है। अगर आप देखोगे BSE इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे कॉरपोरेट एक्शन के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं, लास्ट डिविडेंड कंपनी ने दिया है मई के अंदर 41 रुपये, 2021 में कंपनी ने लगभग 130 रुपये का डिविडेंड दिया है, 2020 के अंदर कंपनी ने यहाँ पे लगभग 230 रुपये के आसपास का डिविडेंड दिया। तो शानदार यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड दिया है नो डाउट, और 2019 के अंदर भी कंपनी ने ज़बरदस्त लगभग 450 रुपये का डिविडेंड दिया। तो हाल ही के दिनों में कंपनी शानदार डिविडेंड दे रही है पिछले 3-4 सालों में, ये भी एक काफ़ी अच्छा पॉइंट है जो कंपनी के शेयर होल्डर के लिए जाता है। तो आप इस स्टॉक को देखें, फार्मान्यूटिकल सेक्टर का ये स्टॉक है, आपको अच्छे टाइम में, आने वाले टाइम में अच्छे खासे रिटर्न देता हुआ स्टॉक दिख सकता है। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।